दुनिया में गिने चुने ही मुल्क हैं जो इस खतरनाक वायरस से अछूते हों। करीब करीब सभी देशों में लोग संक्रमित हैं, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। इस वायरस ने जो कहर बरपाया है उससे दुनिया लाचार नजर आ रही है। आंकड़े इस त्रासदी की तस्वीर पेश कर रहे हैं। अमेरिका में अब तक 30,97,000 लोग संक्रमित हैं। वहां करीब 1,34,000 लोग जान गंवा चुके हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है जहां 16,75,000 लोग पीड़ित हैं और 67,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है, यहां 7,42,000 लोग संक्रमित हैं और 20,600 लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना से पीड़ित चौथा सबसे बड़ा देश रूस है, यहां करीब 6,95,000 लोग पीड़ित हैं और 10,500 लोगों की मौत हो चुकी है। विकसित हो या विकासशील, कोई कोरोना के घात से बचा नहीं है। दिसंबर में चीन से इस महामारी की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक कोरोना की जो टेढ़ी चाल चल रही है वो समझ से परे है। आए दिन कुछ नई थ्योरी या जानकारी सामने आती है, अगले पल ही वो थ्योरी बेबुनियाद सी लगने लगती है। ये महामारी अब तक सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। अब तक तो ये माना जा रहा था कि नाक मुंह से ही कोरोना फैलता है, लिहाजा मास्क लगाना जरूरी बन गया। लेकिन 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने जो दावे किए वो हवा से भी संक्रमण की बात कह रहे हैं। इनके मुताबिक कोरोना वायरस कई घंटे हवा में बना रहता है। वैज्ञानिकों ने WHO से भी अपने गाइडलाइंस में बदलाव की अपील की थी। अब WHO भी इस दावे से इनकार नहीं कर रहा। We acknowledge that there is emerging evidence in this field, as in all other fields, regarding the COVID-19 virus and pandemic. And therefore, we believe that we have to be open to this evidence and understand its implications regarding the modes of transmission and also regarding the precautions that need to be taken. ये भी बेहद अहम है कि अलग अलग लोगों पर कोरोना का अलग अलग रिएक्शन दिखता है। साफ हो चुका है कि एक ही उम्र और फिजिकली फिट के दो संक्रमित लोगों पर प्रभाव बिल्कुल अलग दिखे। इसकी वजह भी अब तक वैज्ञानिकों के लिए गुत्थी बनी हुई है। कोई कोरोना पीड़ित एक बार ठीक होने के बाद कब तक सुरक्षित है? अब तक ये पाया गया है कि ये प्रतिरोधक क्षमता कुछ ही महीनों की है, लेकिन इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। दुनिया भर की तस्वीर देखने से साफ हो जाता है कि कोरोना की रफ्तार कुछ इलाकों में बेहद तेज है तो कहीं सुस्त। आखिर ऐसा क्यों है? कहीं कहीं ये वायरस बेहद खतरनाक दिखा है। अब तक ये बात समझ से परे है कि कैसे कोरोना का असर ज्यादा या कम है। अब तक माना जाता रहा है कि खतरनाक कोरोना वायरस चीन के वुहान से निकला, लेकिन इसकी उत्पत्ति को लेकर अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। अब इन्हीं तथ्यों की जांच के लिए जल्द WHO की टीम चीन जा रही है। मार्च महीने में ही WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया था। तब से अब तक कई देश वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, कुछ देश ह्यूमन ट्रायल भी कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी का इंतजार है।